मैं ये शादी नहीं करूंगी। क्यों? नरेश तो बहुत अच्छा लड़का है और मुझे यकीन है हया तुम्हें बहुत खुश भी रखेगा। मैं यहाँ खुश हूँ और मेरी खुशी के लिए जरूरी नहीं कि मैं शादी करूं। अच्छा तो पूरी जिंदगी बुट्टे सिंह भाई और मीरब को अलग करने में लगा दोगी? अगर जिंदगी ऐसी कटनी है तो ऐसी ही सही, लेकिन मैं ये शादी नहीं करूंगी। हया जिद छोड़ दो। मेरी मोहब्बत मेरी जिद है और मोहब्बत को छोड़ा नहीं जाता। कब तक ख्वार होगी उसके पीछे? जब तक वो मिल ना जाए। ना मिला तो फिर जिंदगी इसी जुस्तजू में निकल जाएगी। तुम जानती थी ना, और वो मीरब वो भी जानती थी, इसीलिए मुझे यहां लाई जबरदस्ती ताकि मुझसे जान छुड़ा सके। और माँ बेगम वो तो ऐसे कर रही है जैसे मैं उन पे बोझ बन गई हूं। बेटियां बोझ ही तो होती हैं माँ बाप के लिए, जिन्हें सब माँ बाप अपना फर्ज समझकर उतारना चाहते हैं। इतनी में बोझ नहीं होती कि आपने मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया और मेरा रिश्ता तय कर दिया। तो क्या करती? तुम्हारी हरकतें भी तो कुछ ऐसी हैं, या तो घर में जादू टूने करवाने हैं या मीरब को गिराने की कोशिश करनी है, और बस। वो मेरी गलतियां थी, उसके लिए मुझे माफ कर दें। आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा, पर मेरी शादी नहीं कराएं, नरेश से नहीं। तो फिर किससे? किसी से नहीं। मैं शादी करना ही नहीं चाहती। देखो तुम्हारी शादी तो हो रही है, लड़का भी अच्छा है, खानदान भी अच्छा है, और तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, तुम्हें इस घर से अब रुखसत होना चाहिए। वहां पे बस मैंने और मुर्तसिम ने फैसला कर लिया है। तुम लोग तैयारियां करो क्योंकि तुम्हारी शादी की तारीख इसी महीने रखी जा रही है।